वारदात सामने आ रही है। बदमाशों के अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बीती रात बदमाशों ने जहां पर दुनिया अपना सर झुकाती है वही भगवान के मंदिर को ही नहीं छोड़ा और बदमाशों ने मंदिर को ही अपना निशाना बना लिया। बदमाशों ने होडल के गांव भुलवाना के समीप चमेली वन धाम मंदिर के महंत और पुजारी को नशीला पदार्थ सूंघा कर उनके हाथ पैरों को बांध कर कमरे बंद करके मंदिर में रखे नकदी और सामान को लूट ले गए। मंदिर के महंत और पुजारी अभी होडल के सरकारी अस्पताल में भर्ती है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आज रात की घटना, वहां पे सुबह 3 बजे रात को लगभग 12 से 4 के बीच में जी कुछ बदमाशों ने आके हमारे महाराज जी मुरारीदास जी जो महंत है और वहां पे एक हमारे ग्रामीण चंद्रलाल जी वहां पे मंदिर में रहते हैं, रात सुरक्षा के लिए महाराज जी के साथ रहते हैं वहां पे, तो उन्होंने रात को उनके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद उनको बेहोश कर दिया है, या तो उनको जो केमिकल सुंघाया गया है कोई भी इंजेक्शन नशा के उनको दिए गए हैं, उनके बाद उनको बांध कर वहाँ से ले जाकर उनको स्टोर रूम में बांध दिया गया है। उसके बाद वहाँ से पैसे और काफ़ी सामान चोरी हुआ है जिसका हम आकलन नहीं कर सकते, जो क्योंकि पैसे के जो नॉलेज है उसमें महाराज जी को पता है और अभी जो महाराज जी हैं वो होश में नहीं है, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं चीज़ों के बारे में। और अभी बेहोशी की हालत में दोनों? हाँ, अभी भी दोनों बेहोशी की हालत में, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसकी हमने पुलिस में शिकायत दे दी है, यहाँ पे पुलिस मौके पर भी आई है और मंदिर में भी पुलिस मौके पर आई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर अभी तक पुलिस के हाथ में कोई ऐसा सुराग नहीं लगा है कि जिससे पुलिस किसी नतीजे पर पहुँच सके कि हाँ एक ग्रुप कौन सा ग्रुप है वारदात देने वाले या कोई क्रिमिनल है। क्या पहले भी कोई ये वारदात हो चुकी है? हाँ जी, इससे पहले भी मंदिर में हमारे में 4 से 5 वारदातें पहले भी हो चुकी है, ऐसे ही पहले एक इसी प्रकार की वहाँ से मुकुट भी चोरी हुए हैं। पहले एक सीताराम महाराज जी थे, उनको भी बुरी तरह पीटा गया था, उन्होंने तो परेशान होकर लास्ट में मंदिर को ही छोड़ दिया वहाँ से। वहीं जब इस बारे में पुलिस जांच अधिकारी से पूछा गया तो विजयपाल ने बताया कि उनके पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन उन्होंने हालात को देखते हुए पुलिस टीम को गठित कर दिया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलवाड़ा में एक मंदिर है, उस मंदिर में कोई रात हमें सूचना मिली है कि रात को कोई चोर आरोपी बदमाश जो आए और वो वहाँ बाबा है रे कुछ का सेवक है, उनको कुछ नशीला पदार्थ सुंघा करके और उनको बांध करके और वहाँ से चोरी करके ले गए। पुलिस मौके पर गई हुई है, जांच चल रही है, जो बाबा और उनका जो एक सेवक था उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और अभी कंप्लेंट मिलेगी तो उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी और उस आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि भगवान के घर में चोरी करने वाले इन शातिर चोरों को पुलिस कब तक पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। सत्य खबर के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। पंडित निखिल शास्त्री जी, 2 घंटे में फोन पर घर बैठे समाधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण करवाना या तोड़वाना, मन चाहा प्यार, लव मैरिज, ग्रह गणेश, सौतन दुश्मन से छुटकारा, लॉटरी नंबर, नशा मुक्ति, कर्जा मुक्ति किया कराया, आपका पति पत्नी दोस्त या प्रेमी आपके कहने से बागर हो तो तुरंत संपर्क करें 8287078475। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।